एंटनी और क्लियोपेट्रा की दुख भरी प्रेम कहानी के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। जिद्दी रोमन जनरल, जो एक बला की खूबसूरत इजिप्ट की रानी के प्यार में दीवाना था, दोनों ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। बहुत कम लोग हैं जो तब की एक मशहूर और बेशकीमती इनाम वाली अनसुलझी पहेली के बारे में जानते हैं, क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे का रहस्य। अपनी शादी के दिन मार्क एंटनी ने अपने बेशुमार प्यार का सबूत देते हुए क्लियोपेट्रा को तोहफे में दिए 3 रत्नों से सजे अंडे। हर अंडा अपने आप में बेमिसाल। सदियों तक इन अंडों को सिर्फ कहानी का हिस्सा माना गया, अफवाह कहा गया। लेकिन 1907 का वो दिन जब कायरो के बाहरी इलाके में एक किसान को 3 में से 2 अंडे जमीन में दफन मिले, कुछ लोगों का मानना है कि वो तीसरा अंडा कभी नहीं मिला और कुछ लोगों के हिसाब से वो मिलते ही खो गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्लियोपेट्रा के उस खोए हुए अंडे का क्या हुआ, वो इस वक्त कहाँ होगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या 2000 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद हम उन तीनों अंडों को कभी एक साथ देख पाएंगे। क्लियोपेट्रा का पहला अंडा रोम के वर्ल्ड फेमस नेशनल म्यूजियम ऑफ कासल सेंट एंजेलो में आम जनता के देखने के लिए रखा हुआ है, दूसरे अंडे को नीलामी में बेच दिया गया और तीसरे अंडे की खोज अब तक जारी है। चोरी हो भी गया हो। चलिए चलिए
क्या कहा चोरी हो गया होगा? चोर पुलिस का खेल बंद कीजिए इंस्पेक्टर, अब मुझे आपके सीनियर से बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे इस रूम में थर्मल सेंसर्स हैं? हाँ बिल्कुल है, दिखाओ मुझे। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लियोपेट्रा के पहले अंडे पर 18 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ी है, तो अंडे से रूम की हीट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो रेड दिखेगा ना कि ब्लू। हो सकता है थर्मल सेंसर में कोई एरर हो। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सॉरी बेटा, यहाँ खाना पीना अलाउड नहीं है, ये म्यूजियम है। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, वो जानता है वो क्या कर रहा है। नोलन बूथ, अपना बैग मुझे दे, घूम जा, हादसे के पीछे ले और सरेंडर कर दे। ठीक है।
बस एक मिनट, मेरे बस दो सवाल है, सिर्फ दो। पहला सवाल है कि ये जैकेट कहाँ से लिया? एकदम क्लासिक पीस है, सर्दियों में भी गर्मी का एहसास दिला रहा है, बिल्कुल पैसा वसूल। और दूसरा सवाल अरेस्ट से जुड़ा है, माना गलत हरकत की है इस नन्हे मासूम बच्चे ने। सची, पर तेरी इस 56 इंच की छाती में कोई पुलिस आईडी छिपी है? मतलब पुलिस वाला है भी या शो ऑफ? मेरे हाथ में जो गन देख रहा है ना, इसकी गोली सरकारी है। मैं भी जिंदी हूँ, जब तक सबूत नहीं मिलता मैं कैसे मान लूँ मेरे सामने खड़ा गंजा पुलिस वाला है? ये भी तो हो सकता है कि तू कोई शातिर चोर है और मैं शायद तुझसे बड़ा वाला शाना चोर। चल मान ले मैं शातिर चोर हूँ, अब बैग मुझे दे दे वरना अगली गोली तेरे मुंह के अंदर होगी। हाँ ठीक है ठीक है, मैं ये बैग तुझे देता हूँ, मैं मुझे ये चाहिए भी नहीं था। सच कहूँ तो आज मुहूर्त ही खराब है। तो बढ़िया था। स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली एफबीआई, नाम तो सुना होगा। हाँ, पर तू तो अपने थाने से थोड़ा दूर नहीं आ गया? सही बोला, इसलिए लोकल मामू साथ लाया हूं। बाराती कुछ ज्यादा नहीं लाए? लानी पड़ी दूल्हा जो साथ ले जाना है। लो कर लो बात, दुल्हन के रूप में आई इंस्पेक्टर दास। क्या करें, शगुन का अंडा कैसे छोड़ती। थैंक यू, दूध का ग्लास तो ले आते। ओ मेरे क्यूटी,
दूध तो तुम्हें घाट घाट का पीना है। 18 मुल्कों की पुलिस जो तुम्हारे पीछे है, तो मेरे पास सुनवाई तक तुम्हें रखने के बहुत ऑप्शंस हैं। तुम्हें भागने की बीमारी जो है, एक बार और भागे तो गोल्ड लेकर ही आऊंगा। जो कच्चा था, लेकिन अब तुम दुनिया की सबसे घटिया जगह जाओगे। तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट में सुन बे, तू अपने आप को बहुत शाणा समझता है क्या? अबे यार, मैं शाणा हूँ? तू मुझे जानता ही कहाँ है? हम एक ही खेत के दो मूली हो तो? गलत कह रहा है भूत, मैं तुझे तब से स्टडी कर रहा हूँ जब तूने टेट गैलरी से लेडी विद अ रेड हैट वाली पेंटिंग चुराई थी 2014 में। क्या सबूत है कि मैंने चुराई थी? ये ऑनलाइन खरीदी थी। तेरी हर हरकत पर नजर है। और बताऊं तेरे बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ? हाँ बता, क्यों नहीं। इकलौता बेटा, तेरा बाप स्विस पुलिस में है, तेरी माँ अमेरिकन प्रोफेसर है। चोरी तो तूने 6-7 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। तुझे लगा तेरा टैलेंट कमाल है, खुद को 30 मार खां समझने लगा, सबसे अलग, अकेले काम करना पसंद करता है, टीम से नफरत है, और चोरी तू वही करता है जिसमें तेरा नाम रोशन हो जाए, और इससे पता चलता है कि तू सिर्फ रोमांच के लिए चोरी करता है, पैसों के लिए नहीं। सटिया गया है क्या? पैसा तो प्यार है। पूरी कहानी तो सुन ले, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। थैंक यू, वेलकम। ऐसे बहुत से चोर है जो सिर्फ पैसों के लिए चोरी करते हैं, इसमें कुछ अनोखा नहीं है। अनोखी बात यह है जिस तरह के रिस्क तू लेता है, चांसेस लेता है, ऐसा लगता है तू पकड़ में आना चाहता है ताकि तू भाग सके और बार बार ये साबित कर सके कि बाकियों से तू कितना बेहतर है और कितना लायक है। लायक किसके? इस भाषण के? तेरे बाप के प्यार के। Congratulations. पर मुझे ढूंढा कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडा चुराते वक्त तुझे रूम में ढूंढ लिया था। पेशा। Come on, लेके चलो इसे। एक बात तो बता भूत, दुनिया के मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ से बात खाकर कैसा लग रहा है तुझे? दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ मैं हूँ। तू था। रुको रुको, यहाँ आओ। वो जिस वैन में जा रहा है अंडा, उस वैन में नहीं भेज सकते। एफील में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। चलो सब ठीक है। पुराना अंडा।
छूट गया। भूत ने हमें नकली अंडा दिया? हाँ, पहले मुझे भी लगा था ये भूत का ही काम है। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर तुम किसी को सिर्फ 72 घंटे पहले मिले हो तो उसके बारे में क्या जानोगे जिसके बारे में हमें सिर्फ एक रिटन गवर्नमेंट लेटर के जरिए पता चला हो। तो मैंने कॉल किया BAU की असिस्टेंट डायरेक्टर को क्वांटिको में। अच्छी लेडी थी पर तुम्हें नहीं जानती। ओके, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा? हाँ, नहीं हो सकता ये। अच्छा, तो जॉन हार्डली के बैंक अकाउंट में $80,00,000 ट्रांसफर हुए एक एनक्रिप्टेड थर्ड पार्टी अकाउंट से, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन अंडा चोरी हुआ। काफी कमाल का इत्तेफाक है ना एजेंट। देवदास से मेरी बात सुनो। पता नहीं तुम्हें क्या लगता है लेकिन तुम्हें जो भी लगता है वो मैंने नहीं किया है। ये किसी और का काम है। बिशप या भूत ने खुद किया होगा। मुझे फंसाया जा रहा है। हो सकता है और नहीं भी, पर सच का पता लगने तक मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूंगी। वैसे बदला लेना मेरी फितरत तो नहीं है पर मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा दिल तोड़ा। तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए। तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है एजेंट हार्डली। दास, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम पे भरोसा नहीं। एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी माँ का यही बाकी था। एक बात तो इंस्पेक्टर दास की माननी पड़ेगी, कॉमेडी अच्छी कर लेती है। हाथ तो मिला ले बिड़ू। सही बात है, हाथ सैनिटाइज नहीं किया ना। कोई नहीं, को कोरोना को। यहाँ लोगों को पता चला कि तू पुलिस वाला है तो वैक्सीन भी काम नहीं आएगी। मुझे यकीन है बिशप के बहुत दिनों से तेरे पे नजर होगी। उसने मेरी खबर देकर तेरा भरोसा जीता। ऐसे भरोसा जीत कर चुना लगाना ही एक्सपर्ट्स की निशानी है। ये पहला सबक है। भरोसे से कैसे खेलना है मुझे आता है, समझा तू? अब तो सीख ही गया होगा। धोखा चुना है तो जिस चतुर सिंह ने मुझे रास्ते से हटाया उसी ने तुझे भी चुना लगा है। यार ये इत्तेफाक थोड़ा गजब का है, तुझे नहीं लगता? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोचा हुआ प्लान है। एक ही चाल में उसने अपने कंपेटिटर और लीड इन्वेस्टिगेटर को हटा दिया। 1-3-2 चिड़िया अंडा। क्या? 2 चिड़िया 1 अंडा, यही था उसका फंडा। ये तो एक घनश्याम दास भी जानता है। ही का तड़का मारा है ना, बढ़िया। एक बात समझ में नहीं आती, अगर उस बिशप को अंडा मिल गया तो वो मुझे क्यों बचाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। $30 करोड़ क्या बकरा है उसका? इतना दाम है मैंने तो नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना, पर बात को समझ। ये दाम सिर्फ उस 1 अंडे का नहीं है। पता है डील क्या है? जो कोई भी उस इजिप्शियन बिलियनर को 3 अंडे देगा, वो भी उसकी बेटी की शादी से पहले, सारी मलाई उसी को मिलेगी। और हाँ, उस बिलियनर की बिलियनर बेटी का नाम तो गेस कर सकता है? मत कर, मैं बताता हूँ, क्लियोपैट्रा। वैसे ये लोग साले बहुत हरामी हैं, पर पैसा कमाना है तो ये होगा कैसे? किसी को नहीं पता कि वो तीसरा अंडा कहाँ है, वो तो मिला ही नहीं। मानता हूँ शाकाल, ये बहुत बड़ी समस्या है, पर पहले मैं दूसरा अंडा चुराता फिर तीसरे की सोचता। ब्यूरो इंटेल की जानकारी के हिसाब से दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है। सोटो बोचे, उसकी कुंडली निकाल रखी है। बचपन में उसके बाप ने उसका गला घोटने की कोशिश की। साले के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। उसकी खोपड़ी ऐसी खिसकी कि लोगों का गला घोटना अब उसका शौक बन गया है। साले को मजा आता है। सोटो बोचे बहुत खतरनाक है, पर इसके बावजूद पार्टी करना पसंद करता है। अपने खास खरीदारों के लिए एक मास्क पार्टी करता है अपने वेलेंसिया के आलिशान 7-स्टार होटल से भी शानदार घर में। बंदूक खरीदने वाले अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते, तो आंखों पर नकाब लगाना सबकी पहचान छुपाता है। लेकिन इन बंदूकबाजों को ये नहीं पता कि उसी घर में ऊपर कुबेर का खजाना है।
जहां मिस्टर कला खोटू ने एक बेशकीमती चीज रखी है, प्राचीन इतिहास का नायाब और अनोखा मास्टरपीस, क्लियोपैट्रा का दूसरा अंडा, जो रोज मेरे सपने में आके कहता है चुरा ले मुझे, लेकिन मेरे नसीब में आ गया तुझ जैसा पुलिस वाला। ये मत करना। क्या? कोशिश भी मत करना। क्या कोशिश? जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। कुछ नहीं कर रहा। ज्यादा स्मार्ट मत। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मेरी बात सुन। अगर यहाँ के कैदियों को पता चल गया, पता चला कि तू पुलिस वाला है, जरा सोचिए, कुमार कैदी है, वोडका पीने वाले रशियन सांड है, ना किसी भी हालत में इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। नियत पुलिसिया, पुलिसिया, सुना ना, नियत पुलिस, ये पुलिस वाला नहीं है, ये गंजा पुलिस वाला नहीं है, ठीक है, ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो। ये एफबीआई है, वहाँ का रिसर्चर है, वैसे ये कानून के लिए ही काम करने वालों में से एक है, पर पुलिस वाला नहीं है। आपको सेम लगेगा पर सेम नहीं होता, अभी समझाऊंगा तो बाउंसर जाएगा। तो ये है हमारा बहुत अच्छा दोस्त स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, इनके स्वागत में तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बस बहुत तालियां हो गई। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, टेंशन मत लो, साला कोई कभी मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। इसने सुना, ड्रैगो ग्रांडे ने सुना, इसी तरफ आ रहा है। कूल रहना, मेरी बेइज्जती मत करवाना। कैसे है सर? पुलिस वाले, तुम मरेगा। ओके, इसे पता है, इसे पता चल गया तो पुलिस वाला, हवा में बात फैल गई है। देखो पहलवान, मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ना। तो लड़ने में पैसे लगाता हूँ। तो प्लीज नो झगड़ा, जाकर अपनी जगह बैठ और खाना ठूस। सोचा नहीं था दुनिया के सेकंड बेस्ट आर्ट थीफ को इस तरह हथकड़ी में देखूंगी। ओह वाह, मैंने तुम्हारा काम भी देखा है। वैसे एक आध बार किस्मत से तुमने पहले हाथ मारा है, पर पिछले एक साल में एक भी बार तुमने मुझे हराया नहीं। हेलसिंकी में मेरा पैराशूट नहीं खुला। जकार्ता, बाइक में पंचर था। मकाओ, वहां उन्होंने अचानक माइली साइरस का शो लगा दिया, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। या तो बहाने बना लो या फिर जीत लो, चॉइस तुम्हारी है। हमें यहाँ क्यों लाई हो? क्या चाहिए तुम्हें? बात करनी है। रूम में मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ एजेंट हार्टली, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो पहले मैंने बारी से अंडा चुराया, उसके बाद $80,00,000 तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट किए और फिर चल किया। तब तक जब तक शतरंज के बिछाए मेरे खेल में दास मेरी चाल न चले। फिर कुछ हैकिंग ट्रिक्स इस्तेमाल किया और उसकी कॉल का क्रॉस कनेक्शन किया। FBI BAU Director's Office. और पुफ, बाय बाय एजेंट जॉन हार्टली। हेलो, बेवजह फंसी कहती, खेल में मजा तो आ रहा है ना? चुप कर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं इस गधे के साथ जेल में सड़ रहा हूँ। ओके, चलो काम की बात करते हैं।
वैसे बताने में बहुत रिस्क है, पर बता देती हूँ। एक अंडा मेरे पास पहले से ही मौजूद है और 48 घंटों में मेरे पास दूसरा अंडा भी आ जाएगा। पर कहीं आजाद पड़ा है वो तीसरा अंडा। तुम जानती हो किसी को नहीं पता कि तीसरा अंडा कहाँ है। इसने नहीं बताया तुम्हें? नहीं बताया तुमने? क्या नहीं बताया? क्या बताना है वो भी तो कोई बताए। तुम्हारा पार्टनर अच्छे से जानता है तीसरा अंडा कहाँ है। ये झूठ बोल रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी की कसम। मुझे पता तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी की कसम। हाँ, ये मेरी आवाज है। मैं मानता हूँ मैंने तुमसे एक बार ऐसा कहा था। तू मुझे तीसरे अंडे के बारे में कब बताने वाला था? मैं तुझे ये कभी नहीं बताता छिले हुए अंडे, क्योंकि तू पुलिस वाला है। तुम्हारे लिए एक ऑफर है मिस्टर बूथ, और वो ये है, तीसरे अंडे का ठिकाना बताओ, यहाँ से आजादी पाओ और साथ में 10%। शक्ल से बंदर लगता हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, कुछ वक्त जब जेल में बीतेगा तो हो सकता है जेल की मेहमान नवाजी से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। दूसरा अंडा मिलते ही फिर मुलाकात होगी। तो हाँ, लेकिन याद रखना उस वक्त ये ऑफर 5% का होगा। स्पसीबो का पिता खतोज ने यारा पोतक ले लिया। बाय, मुझे ज्यादा मिस मत करने लगना। अगर हम उसे पकड़ते हैं तो मैं खुद को निर्दोष साबित करके उसके साथ वो कर सकता हूँ जो तू नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं करना है, वो मेरे टाइप की नहीं है। हाँ। अब ये उठ, 3, 2, 1, पेट खराब नहीं है ना? मैं उसे जेल में डाल दूंगा उम्र कैद के लिए, और जब वो जेल जाएगी तो सोच दुनिया का नंबर 1 आर्ट की फोन होगा। टीम वर्क, ये बोलना ही अजीब लगता है। तूने उसे पकड़ा है ना? अरे यार, तू हमें शक कर रहा है। अरे पकड़ना ही फिसल रहा। अरे रिलैक्स चिकनी खोपड़ी। देख, टीम वर्क, टीम मुझसे तो ये बोला ही नहीं जाता। अजीब है, रशिया की जेल के बारे में बाकी तो कुछ पता नहीं, पर साबुन बहुत झाग देते हैं। अभी एक साथ कर रहे हैं या नहीं? केमिकल रहे शुद्ध ग्लिसरीन से भरे साबुन, मम्मी इससे कपड़े धोती है। तू धोएगा? मैं धो चुका हूँ। सोटो वोचे की मास्क पार्टी कल रात को है। अगर हमें बिशप से पहले दूसरे अंडे को देना है तो किसी भी तरह हमें इस जेल से सुबह तक निकलना होगा। मैंने अंडा चुराने का प्लान बना लिया है, चाहे वो बिशप बीच में क्यों ना आए, मैं ही बाजी मारने वाला हूँ। मैं टीम का क्या हुआ? तूने टोपी सर पे क्यों पहनी है? वहाँ बाल है नहीं? ठीक है बेटा, पापा तुम्हें सोटो वोचे की पार्टी में ले जाएंगे। थैंक्स। टाइम कम है, हमें निकलना चाहिए। प्लान तो बता। वही तो सोच रहा हूँ। सोचने के लिए सोना पड़ता है क्या? कहते हैं कामयाब प्लान का जरूरी हिस्सा होता है अच्छी नींद। मुझे लगता था कि प्लान ही प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तुम जैसे लोग यही गलती करते हैं। बाली में मेरे और मेरे डैड के बारे में तूने जो भी कहा वो तुझे कैसे पता चला? तू अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, लेकिन ये तेरा भ्रम है। पर एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि एक स्विस पुलिस ऑफिसर का बेटा चोरों की दुनिया में कैसे फंस गया। शॉर्ट में बताऊं, मेरा बाप एक अव्वल दर्जे का परफेक्ट चूतिया आदमी था। पूरा सच? जब मैं 8 साल का था, मेरे डैड को लगा कि मैंने उनकी गाड़ी चुराई। न जाने क्यों उन्हें वो गाड़ी इतनी प्यारी थी। उन्होंने पूछा क्या वो मैंने चुराई है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा उन्हें पता है मैंने चुराई है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, न क्रिसमस पर, न मेरे बर्थडे पर। वो लगभग पूरा साल मुझसे बिना बात किए रहे, मानो मेरा कोई वजूद ही नहीं था। फिर एक रात वो घर आते हैं और आके सीधे डिनर टेबल पर बैठते हैं, और मैं क्या देखता हूँ, वही गाड़ी जो चोरी हो गई थी उनकी कलाई पर थी। फिर वो गाड़ी उन्होंने निकाल कर कहीं रख दी, और उसके बाद मैंने कभी उसे देखा ही नहीं। उन्होंने मुझसे सॉरी तक नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखकर पूछा आज स्कूल में दिन कैसा रहा, और फिर वो पूछते रहे आज स्कूल में दिन कैसा रहा, स्कूल में दिन कैसा रहा, पर मैंने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखता रहा, न खाया न पिया। और उसके एक हफ्ते बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में था।
तू सो गया? मजा कर रहा हूं, समझता हूं भाई, बड़ी दोपहरी कहानी है। नहीं नहीं सब ठीक है, जिंदगी ऐसे ही सबक सिखाती है, जो तुम करते हो जरूरी नहीं, जरूरी है कि दूसरे क्या सोचते हैं। तेरा बाप कैसा था? मैं उनकी बात नहीं करता। इतना खराब था क्या? अच्छी खबर है, रात के शेयरिंग केयरिंग सेशन के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद है। उससे भी अच्छी खबर, मैंने सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस वाला एस्केप प्लान बनाया है। बढ़िया है, तो बता मुझे पहला स्टेप क्या है? ध्यान भटका है, साबुन से। अच्छा बता क्या मिलेगा जब साबुन जो ग्लिसरीन से भरा है उसे मिलाएंगे क्लीनिंग सॉल्यूशन से जिसमें नाइट्रिक एसिड है? मिलेगा नाइट्रोग्लिसरीन। केमिस्ट्री में पास हुआ, चलो भाग। चल 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 चल। ये माल कैसा है? मैं बिकाऊ नहीं हूं। नहीं तू बकाऊ है। Yeah.
क्योंकि मेरे काम में ऐसा होता कहाँ है कि कोई सिर्फ चुपचाप बैठकर मेरी बात सुने। थैंक यू। खैर छोड़ो, I'm sorry कि मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना होगा ताकि मेरा ओरिजिन पॉइंट ट्रेस ना हो सके, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ये तुम्हारे सिस्टम से करूँ। तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ढीला है, कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हें पता है 99% ट्रैकिंग प्रोटोकॉल सिर्फ थर्ड पार्टी मूवमेंट पर फोकस करते हैं। कोई ये सोचता ही नहीं है कि गड़बड़ी तो सिस्टम के अंदर भी हो सकती है, तो इसलिए तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा ऑफिस। लो, ये हो गया। आप जरा उन भगोड़ों की बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग कर देते हैं। सॉरी डियर, आज की मीटिंग यही खत्म करनी पड़ेगी।
वैसे तुमसे बात करके मन काफी हल्का हो गया। Have a lovely day. हिलना मत। देखा, इसीलिए जहां जाती हूँ मुझे लोगों को पीटना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं किसी पर भरोसा करती हूँ वो अपने टेबल के नीचे का फुट अलार्म बजाता है और उसका अंजाम ये होता है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस दिल टूट गया मेरा। मुझे सच में लगा था तुम औरों जैसे नहीं हो। ऐसा दोबारा मत करना। खैर अभी मैं चलती हूँ, जब ये उठेगा तो तुम उससे कह देना कि घबराहट में अंदर घुसते वक्त उसका पैर फिसल गया था, समझ गए? और अगर तुम ऐसा ना करना चाहो तो मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहूंगी। मैं तुम्हारे साथ काम करने वाले और तुम्हारे हर फैमिली मेंबर को जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी चट्टी का कलर भी। जूस भी रखा है। क्या बात है। हे तॉम्बे, हमारे लिए कपड़े लाया, तो पहले हम ये गंदे कपड़े चेंज कर लेते। ओ, मैं भूल ही गया, तॉम्बे, ये है एजेंट जॉन हार्टली, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। इसकी लगी पड़ी है, पर इसके बहुत सारे दोस्तों ने तेरे दोस्तों को जेल में डाला है। देख ले क्या करना है। तुझे कोई जूस वूस नहीं मिलेगा। देख यार, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। ओके, पर्सनालिटी भी कोई चीज होती है। तो मिस्टर पर्सनालिटी ने आगे का प्लान भी बना लिया होगा, कुछ बताओगे मुझे? हाँ बिल्कुल, कान खोल के सुन लो। तो उस पार्टी में सभी गेस्ट और स्टाफ मेंबर्स मेन फ्लोर पर होंगे, और ऊपर तिजोरी तक जाने वाले रास्ते में गोगो के मुश्तंडे होंगे बंदूकों के साथ। पर एक और रास्ता है, खुफिया रास्ता। तो मेरा प्लान ये है कि तुम और मैं काले मैचिंग पजामा पहनकर कला घोटों के बेडरूम में जाएंगे, फिर स्टडी रूम से होते हुए पहुंचेंगे अली बाबा की गुफा में। ये तो अंडा, माफ करना। तारीफ बाद में। सुन बे चूतिए, तेरे पिछले प्लान ने हमारी माँ बहन एक कर दी थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ का सिक्योरिटी सर्विलेंस कैसा है ये बता। अरे यार, वो हथियार बेचता है तो समझना, कदम फूंक के रखना, सांस रोक के चलना। हर एक्सेस पॉइंट पर दो गार्ड्स की टीम लगी है जो टाइम टू टाइम रोटेट होती है। जब ये एक पॉइंट से दूसरे तक जाते हैं तो सिर्फ 45 सेकंड के लिए जगह खाली रहती है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम वेस्ट हॉल के नीचे एक सिक्योर कमरे में 87 मोशन सेंसिटिव इनके कैमरास हर वक्त हर कोने पर नजर रखते हैं। मतलब घर का कोई हिस्सा उनसे बचा नहीं है, वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, समझ ले अलेक्सा जैसे, पर गन्स के साथ। अब सुन, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उस खुफिया रूम का डोर मिलिट्री ग्रेड बायोमेट्रिक पोर्टल है, जो 1.5 फुट मोटे सॉलिड टाइटेनियम से बना है, जिसपे ना ड्रिल कर सकते हैं ना वो धमाके से उड़ेगा। जाने का एक ही रास्ता है, फेशियल और वॉइस रिकॉग्निशन, और उसे सिर्फ एक ही चेहरा और एक ही आवाज खोल सकती है। उसकी आवाज और उसका चेहरा हमें कैसे मिलेगा? देखो, सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव सोचना होगा, और उसके बाद हमारे पास है दोडू डीप फेक टेक्नोलॉजी। बोलती बंद लल्ला, मुझे बस इंटरनेट से तेरी 12-13 इमेजेस मिल जाए तो मैं तेरे रिश्तेदारों को और तेरी माँ को तेरा सेक्स टेप भेज सकता हूँ। घबरा मत, मैं ऐसा करूंगा नहीं, बस तुझे बता रहा हूँ कि मैं कर सकता था अगर मेरे पास टाइम और तेरी फोटोज होती। लेकिन रुको, अभी और एक 12 डिजिट रैंडमली जनरेटेड पासकोड है जो हर 6 मिनट में बदलता है, और वो कोड सिर्फ सोटो वोचे के फोन पर रहता है, और सोटो वोचे का फोन उसकी वैंट में रहता है, मतलब सीधे शेर की गुफा में। वहाँ एक और चीज है, बहुत जरूरी है, हमें उसका थंबप्रिंट चाहिए, क्योंकि उसके फोन को भी उसी की तरह उंगली की आदत है। तो उसका थंबप्रिंट नहीं मिला तो हमें अंडा भी नहीं मिलेगा।
ये तो कमाल हो गया। बेटी शकुंतला तू सयानी हो गई। अगर इस मिशन में ठीक से काम किया तो तुझे 3 लॉलीपॉप और 1 फुग्गा दूंगा। चल रही हो पार्टी इज ओवर। मेरी पार्टी में इस आदमी के साथ आपको डांस करते देख अच्छा नहीं लगा। आपकी नजर में आने का और कोई तरीका था ही नहीं। गुड नाइट। क्या मैं? हाँ क्यों नहीं, आपकी पार्टी है।
जागी तो नहीं? हमें उसका फोन चाहिए था। बिशप के साथ डांस का ऑडिशन नहीं देना था। घबराओ मत झंडूलाल, मैंने ले लिया है। एक्सक्यूज मी। मिल गया, बहुत अच्छे। कैसे पता था वो तेरी तरफ आएगा? Well, सोटो वोचे 5 फुट 5 इंच का ही सही, पर ताकतवर खूंखार और उसकी ईगो पहाड़ जितनी है। जब उसकी पार्टी में सबसे खूबसूरत लड़की किसी और के साथ डांस करेगी, उसकी जलेगी और उसे बीच में आके अपनी शान दिखानी पड़ेगी। वाह छुपे रुस्तम, जेब काटना कहाँ से? FBI कोचिंग सेंटर में। तू भी आ जाना। स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से गरीब खाने में। सही टाइम है, काम शुरू करो। मेरे डैडी प्लान आगे बढ़ा रहा हूं। उन्हें पता था कि मेरा कैसे किया जाता है। वही सॉरी सर, आज इतना गंदी नाली का कीड़ा। अब मैं गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। लुसे तो पूछो सीनियर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे बाथरूम चाहिए। ले जाओ इन्हें। इस तरफ आइए सर। इतना गंदी नाली का कीड़ा होगा तो। ये पिस्टल मेरे डैडी का सबसे पसंदीदा हथियार। इसे मैं अपने दिल के करीब रखता हूँ, जब से मैंने उन्हें इससे मारा है। पहले मुझे मेरे पीछे। मैंने इस गन को पाने की बहुत कोशिश की, पता है क्यों? दरअसल मुझे काम नहीं करना। वो कहते हैं ना, किसी पास आना alguien derramó vino sobre un invitado. Está bien. Para algo, ¿podrá echarme en el campo de esta? Es que pensaron si tiene que estar. Para ahí, para ahí, seguimos en Maratón. A mí me parece extraño, voy a llamar de todas maneras. No seas idiota. ¿Lees tú muchas novelas de espías? Me hombre, ya digo, ¿no? सिर्फ एक गोली काफी है। पार्टी एंजॉय कीजिए। चल फिंगरप्रिंट ढूंढ।
पहुंचे। Sección oro sin la fiesta. Manda a un equipo. Seguridad, tenemos un código rojo. Repito, tenemos un código rojo. बेगुनाह होने की कसमें खाता है और फिर गुनाहों के देवता के साथ चोरी करता है। मैं बेगुनाह हूँ, पर इसे चोरी करते हुए देखती तो तुम्हें लगता है ये एक्सपर्ट है। फालतू की बकवास मत कर। मैं कहाँ का एक्सपर्ट हूँ? खुद को कम क्यों समझ रहा है? Shut up. नहीं, देखो मेरा भाई शर्मा रहा है, इसे तारीफ पसंद नहीं। प्लीज मेरी बात समझो, ये सारी प्लानिंग बिशप की थी, उसी ने मुझे फंसाया है। अच्छा, अगर ये वाकई बिशप का प्लान है तो प्रूव करो कि तुम बेकसूर हो। चलो अपने पार्टनर को अरेस्ट करो। हम पार्टनर नहीं है, हम बस दोस्त हैं। अबे कहाँ के दोस्त? चट्टी बट्टी कोई किसी की चट्टी नहीं है। अपना मुंह बंद करो नमूनो, या तो तुम इसे अरेस्ट करो वरना मैं तुम दोनों को करूंगी। बोलो क्या करना है एजेंट हार्टली। I'm sorry, oh. Oh, होश में आ जा। You're under arrest. बाहर वाले की सुनेगा, साथ बिताए हसीन लम्हे भूल गया। शकल देखिए अपनी, इतना टाइट मम्मी है। देखो दास, फंडामेंटली मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन मजबूरी में बुरे काम करने पड़ते हैं। चल जल्दी से अंडा ले और यहां से निकल। एक मिनट, तूने महसूस नहीं किया क्या हुआ? क्या बकवास कर रहा है? दोस्ताना, मुझे अच्छी फीलिंग आई। मेरे ऐसे शौक नहीं है। नहीं, पर मुझे आई उसका क्या? की तलाश में हो या रास्ता भटक गए हो? चलती फिरती मनहूसियत हो। पता है यहाँ आने का एक आसान तरीका भी था, पर मैं भूल कैसे गई, वो तुम्हारी औकात के बाहर है। चलो, मेरे पास 3 में से 2 अंडे तो आ गए हैं। तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, मेरा ऑफर तो याद ही होगा ना? मेरे पास भी एक ऑफर है। You're under arrest. क्या कर रहा है भाई? भड़क गई तो बाल नोच लेगी। मैंने कहा था खेल के अंत में तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। इसे कोई डर नहीं है क्योंकि इसके सर पे बाल नहीं है। जो तुम चाहो एजेंट हार्टली, अरेस्ट करना चाहते हो मुझे तो ये भी आजमा लो। मुझे बस अंडा चाहिए।
नहीं था ये वीडियो में चकड़ेगी। बड़े लिच्चर शौक है इसके, जितनी तीखी है उतनी मीठी भी है। इस मार के बारे में किसी को बताना मत। इतनी बुरी तरह बैठा हूं, थोड़ी किसी को बताऊंगा। एक मिनट, शुभ मत करना, चिल मारो। हम पहले से घुटनों पर हैं। देखो, हमने अंडा नहीं चुराया। ओके, मतलब कोशिश हमने की, पर चुराया इसने। ये सच कह रहा है? ऐसा है क्या? थैंक यू। आराम से चिंकू मेको। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे मोहतरमा? आपके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी हुई। मैं जानती थी ये जरूर आएंगे। ओह, इसकी मां की मां। के पास पहले से ही दूसरा अंडा मौजूद था, तो मैंने इन्हें अपना ऑफर दे दिया। और अब हम ये चाहते हैं कि तुम हमें बताओ कि तीसरा अंडा कहाँ है। और कितने अंडे निकलेगी नागिन? मुझे पता है गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। कोई बात नहीं, मैं उसे टॉर्चर करती हूँ ताकि तुम अपना मुंह खोल दो। ये किसकी बात कर रही है? मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम लोगों का गहरा दोस्ताना है, वरना एक साथ अंडा चुराने का बेवकूफी भरा रस कभी नहीं लेते। मैं ठीक कह रही हूँ ना एजेंट हार्डले? हमारे बीच कोई दोस्ताना नहीं है, मैं इसे ठीक से जानता भी नहीं। हमें बताना, हम दोस्त भी नहीं है। अब छुपाने का क्या फायदा? बकवास मत। आदमी है आदमी से प्यार करते हैं, एक ही साबुन इस्तेमाल करते हैं। ये साला झूठा है। अगर इसने तुझे गलत जगह छोड़ा, तेरे तन बदन में बिजली दौड़ गई, तो मुझे इसे सब सच बताना ही पड़ेगा। तो मिस्टर बूथ, कहाँ है तीसरा अंडा? ओके, तरीका नंबर दो। नहीं, रुको, मत करो। देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना गहरा है मिस्टर बूथ, क्योंकि अब हम जाएंगे मेरी फेवरेट जगह पर। बहुत हुआ मजाक डाले, सिद्धियों का मुंह खुलवाने के लिए हमें भी सिद्धि बेहतरीन अपनाने पड़ेंगे। इसकी नीयत खराब हो रही है। किसकी नीयत खराब हो रही है? जो कपड़े उतार रहा है, पुराने तरीके हमेशा काम आते हैं। एक्सक्यूज मी डार्लिंग। कैसे है स्पेशल एजेंट हार्डले? देख देख, हमने तो नहीं हाला अंडा कहाँ है, बता। अच्छा ठीक है, तो मैं बताता हूँ यार। अंडा इजिप्ट में। इजिप्ट में कहाँ? ग्रेट पिरामिड के अंदर के गुप्त खाने में। एक साल पहले उसकी खोज हुई थी, लेकिन उसे अभी तक खोला नहीं गया है। और तुम्हें कैसे पता कि अंडा वही है? मेरी माँ एक इजिप्टोलॉजिस्ट थी। बोलने से पहले मैंने हाइरोग्लिफिक्स पढ़ना सीखा था। वो तहखाना दरअसल एक खुफिया मकबरा है क्वीन क्लियोपेट्रा का। जब दो अंडे खो गए, उन्होंने तीसरा अंडा वहां छुपा दिया था। स्कैन से साफ पता चलता है वो आज भी उसी तहखाने में है।
तीसरा अंडा अभी जिप में ही है। ये झूठ नहीं बोल रहा है, तहखाने के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इतनी देर क्यों लगाई? तो आप जश्न हो जाए। बिजनेस की हैप्पी एंडिंग के नाम, मस्ती भरी लाइफ की शुरुआत के नाम। क्या बात, तेरी माँ की तुझे पता नहीं था ये होगा? बैल बुद्धि गॉड, पता नहीं क्या हो गया, हम तो बस शैंपेन पी रहे थे और अचानक इन्हें चक्कर आ गया और ये... कुछ बचा? कुछ भी नहीं। देखो जो कुछ भी तुम कर रही हो पकड़ी तो जाओगी। वैसे मेरा मन तो बहुत है कि थोड़ी देर और रुक कर देखूं आगे क्या होता है, पर मैं लेट हो रही हूँ अपनी मंजिल पिरामिड तक जाने के लिए। पेट में गुदगुदी हो रही है, सो एक्साइटेड। डाउनटाउन थिंग्स विल बी ग्रेट व्हेन वी डाउन। वैसे गाती अच्छा है। तुझे जेल में दिया हुआ इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तुझे इसके बॉयफ्रेंड के मुंह नहीं लगना चाहिए था। मैं कब लगा भाई इसके बॉयफ्रेंड के मुंह? तो क्या उस पार्टी में डांस मैं और मेरी माँ कर रहे थे? क्या यार, तू आदमी है या अंडरटेकर? मोचे भैया आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप आराम से बैठ के नहीं जा रहे? तुम्हारी वजह से मेरा प्यार छोड़ कर चला गया मुझे। नहीं बेटा सुन, वो लड़की चिकनी सुराही थी और तुझसे तो कोई गमला भी नहीं बनाएगा। तुझे लगता है इनकी बनती मतलब ये 1.5 फुट का और तेरे? अरे नहीं नहीं नहीं, बात तो कर ले। कौन सा आदमी क्या अभी तक सुराही? कितना घटिया इशारा है इसका। हथकड़ी कैसे खोल दी? गोली लगी थी। क्या कहाँ लगी थी? हथकड़ी में। मतलब हम बच के निकल सकते हैं, हम आजाद होने वाले हैं। ओके, अकेले कहाँ जा रहा है? हम पार्टनर्स हैं। ओ अब हम पार्टनर हो गए? हमारी पार्टनरशिप तो तभी खत्म हो गई थी जब तूने बिशप को डाउनटाउन जाने से नहीं रोका। मेरी बात सुन, तुझे बिशप नहीं मिलेगी मेरे बिना, बिल्कुल नहीं। तेरी मेहरबानी से मुझे अच्छी तरह बता के वो कहाँ जा रही है। गुड बाय। सब झूठ था। सफेद झूठ। क्या मतलब है तेरा? मैंने अब तक जो भी कहा वो सब झूठ था। तुझसे झूठ कहा, बिशप से झूठ कहा और नन्हे अंडरटेकर से भी, सबसे। देख सच तो ये है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है ही नहीं। पहाड़ में गया तू और तेरे अंडे। मैं सिर्फ बिशप को गिरफ्तार करना चाहता हूँ ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तुझे बिशप नहीं मिलेगी जब तक तुझे अंडा नहीं मिलता, और मुझे पता है अंडा कहाँ है। अब मुझे यहाँ से निकाल ताकि मुझे अंडा मिले और तुझे बिशप। Come on. Please, baby. किस तरफ? ये आवाज। ए, रुक रुक रुक। यहां ऊपर हम भीड़ के साथ मिल जाएंगे फिर आजादी। भागने के लिए कह रहे हैं हमें भागना। अगर भागेगा तो मरेगा। जल्दी बता, डॉक्यूमेंट्री में सांड से बचने के लिए क्या कहा था? अरे याद आया, मैंने गलत डॉक्यूमेंट्री
चोरी करता था और मैं पुलिस में भर्ती हो गया। हम ज्यादा अलग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेरे बारे में सोच बूत, बस इतना चाहता हूं कि तू मेरी मदद कर दे उस बिशप को पकड़ने में, ताकि मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकूं और मैं तेरी मदद करूंगा फिर से दुनिया का नंबर वन आर्ट थीव बनने में। मैं अपनी जिंदगी वापस पाना चाहता हूं बूत, प्लीज। अप्रैल 1945 की बात है। रेड आर्मी दरवाजे तक पहुंच गई और बर्लिन उनके कब्जे में आ ही गया था। नाज़ीज़ का खेल खत्म। और तभी एक खुफिया बंदा जिसका नाम रुडोल्फ साइक था, जो हिटलर का पर्सनल आर्ट और एंटीक्विटीज डीलर था, और कहते हैं वो इकलौता बंदा था जिसने क्लियोपैट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था, उस स्टीमर शिप लेकर जर्मनी से निकला अर्जेंटीना जाने के लिए। जहाज के डॉक्यूमेंट से पता चलता है वो सिर्फ एक सूटकेस लेकर निकला था, और हाँ 5 टन भारी 16 कार्गो कंटेनर्स भी, जिसमें सिर्फ मशीन पार्ट्स जा रहे थे। अब सोच, कोई आर्ट डीलर अपने मालिक को छोड़कर 7 समंदर पार क्यों जाएगा, वो भी 100 टन से ज्यादा का सामान लेकर, जिसे सिर्फ मशीन पार्ट्स कहा जा रहा है। 70 सालों तक जासूस, ट्रेजर हंटर्स और कुछ अपने खोजी कुत्तों के साथ इस सवाल की खोज में लगे। वो ढूंढ रहे थे उस लोकेशन को जिसे वो मानते थे हिटलर का खुफिया बंकर, जो साउथ अमेरिका में कहीं छुपा था, और मेरे डैड उनमें से एक थे। कई वीकेंड्स उन्होंने अपने ऑफिस में ही बिताए, पुराने मैप्स खंगाले, पुरानी डीक्लासिफाइड फाइल्स देखी। छुट्टियों में वो घर से कहीं निकल जाते जहां खुफिया ऑक्शंस होते, वहां से वो अतरंगी चीजें खरीदते, और वहीं से उन्होंने वो गाड़ी ली। वो कोई आम गाड़ी नहीं थी, वो थी हिटलर के उस अजीब आर्ट डीलर रुडोल्फ साइक की घड़ी, वही घड़ी जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा चाहते थे। हराम सादा।
उनके जीते जी मुझे उनके उस अजीब शौक से कोई मतलब नहीं था। उनके जाने के बाद भी मैंने उनके कबाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन फिर मुझे उस घड़ी के अंदर कुछ दिखा। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं जान गया कि उस घड़ी में छुपा है तीसरे अंडे की लोकेशन का राज। सच भी है कि नाज़ियों के आर डीलर रुडोल्फ के पास तीसरा अंडा आखिरी बार देखा गया था और उसने खुफिया बंकर बनाया था जिसमें सारा खजाना रखा गया था, पर इसकी क्या गारंटी है कि तीसरा अंडा उसी बंकर के अंदर है? विश्वास है। विश्वास? एक बात बता, हम अपनी यहाँ मराने तेरे विश्वास के भरोसे मरा है? गट फीलिंग कह ले, तूने इसके बारे में सुना ही होगा। मैंने तो बस स्मार्ट प्लान के बारे में सुना है, समझा? स्मार्ट प्लान जो कभी फेल नहीं होता। तेरा यह बेकार सा विश्वास नहीं। शांत गदाधारी भीम, मैं इस मैप को पढ़ रहा हूँ ना। हम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए। देख मार्क इधर है। मार्क? कैसा मार्क? कहाँ है मार्क? तू बाहर आ जा भाई, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। शाबाश बेटा, किसको मिल गया? किसको क्या मिल गया? बंकर कहाँ है? ये घना जंगल है, मुझे कोई बंकर नजर नहीं आ रहा। चल बता क्या कह रहे हैं तेरा मैप। हम बहुत आगे निकल गए, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। ये गलती इस कंपास की है। ये मैंने स्कूल में खरीदा था, उन दिनों मैं स्काउट्स का हिस्सा था। एक मिनट दिखा मुझे। हाँ लेना। ये भी दिखा। हाँ, ये देख, मिल गई प्रॉब्लम। ये अरे तू भावला हो गया क्या? भावला मैं नहीं, तू हो गया है। मुझे सात समुंदर पार लेकर बेमतलब आ गया, वो भी अपने चूतिया खास पर। नीचे पानी है। जरा ये दरवाजा देख, इसके पीछे क्या हो सकता है? पर इसे खोलना कैसे है?
प्लीज अब मरवाना मत। जाए ऑमलेट खाने, ये सब चुरा लेते हैं। हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए हैं। एक्चुअली हमें चुराना है, हम अंडा चुराने ही आए थे। तो बकवास बंद कर और चुरा। मेरी चोरी चोरी और तेरी चोरी सीना चोरी। हम मुंह के गटर का शटर बंद कर जो करने आए हैं वो कर। गुस्सा मत कर गोपाल दास, मंजिल करीब है। अब ये साला अंडा कहाँ मिलेगा? पता नहीं है, रखते वक्त किसी ने लेबल थोड़ी लगाया होगा। स्टील रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेटिंग बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास के साथ और 24 कैरेट गोल्ड की परत। ये कन्वर्टिबल टैंक है और कंडीशन अभी चमकदार। देखना ये अभी चलती होगी, पर इसे साले नाज़ियों ने चलाया था, इसलिए हमें इसे जलाना पड़ेगा। लेकिन वो इसे नीचे लाए कैसे? उस छोटे से छेद से एक एक पीस नीचे ले आए और फिर रीअसेंबल किया वहां से। ये जगह किसी पुरानी कॉपर माइन से जोड़कर बनाई गई है। यहाँ के शाफ्ट बड़े बड़े होते हैं और मीलों लंबे भी। खुफिया बंकर बनाओ, लूट का सामान लाओ, शाफ्ट को सील करो और अकड़ पकड़ पंपे बो। 40-50 पूरे 200, 80-90 पूरे 100 होता है। पता है। ये देख, नाजियों ने लेबल लगाया है। बेवकूफ सारे। इजिप्ट, तुझे लगा मैं तेरे बोलने पर पिरामिड्स के खंडरों की खाक छानूंगी? मैंने बस इंतजार किया था कि तुम दोनों सूटो वॉचे से बचकर वहां पहुंचो जहां तीसरा अंडा है, जो अब तुम मुझे देने वाले हो। तो आओ दे दो मुझे। कम ऑन, इतना मत सोचो। गुड जॉब, शाबाश। हिलना मत, कंधे को। Thank you.
जाएंगे। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड अच्छा। हमें कूदा होगा पर गाड़ी से दूर। फिर से जेल की आइडिया पर बात कर देना। तेरी फोटो फ्रेम कराऊंगा। छोड़कर मुझे बचाने कूदा? नहीं। वैसे देखकर तो यही लग रहा है। तो मत देख। तो अंदर क्या केकड़े पकड़ने गया था? मेरा फोन पानी में गिरा था। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो खराब हो जाता। अब घर जाकर उसे सुखाने के लिए चावल में रखना है। तुझे लगा मैं मर गया? मुझे नहीं लगा तू मर गया। मैं चाहता था कि तू मर जाए। मैंने देखा तू कैसे तड़प रहा था। होटली होटली हाँ हाँ ठीक है। तुझे ढूंढने आया था। तुझे बचा के बाहर निकाल के तेरी खूनी रेत में घुसाना चाहता था। बात को बड़ा नहीं बनाना है। बड़ा ही नहीं मारनी। मेरी पर्सनालिटी अलग है। लोग तुमसे पूछेंगे तुम्हें शर्मिंदगी हुई होगी तो कहना हाँ हुई, बिल्कुल हुई। क्या कर सकते हैं, बूथ मुझसे बेहतर था। पर ये बातें जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुमने मान लिया कि तुम हारी और मैं जीत गया। ओए सॉरी। हम सच्चे दोस्त, सच्चा प्यार, टीम वर्क, इस कहानी से हमें यही सीख मिली है। और जानती हो न जाने कितने सालों से मैं तुम्हारे मुंह पर एक बात कहना चाहता था और वो बात है चेकमेट। सपना पूरा हुआ। मेरे पास दो अंडे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। आखिर ये किस टाइम की जीत हुई? मेरा जीतना जरूरी नहीं है तुम्हें हराने के लिए, और यही तो इस खेल की बढ़िया बात है। जब तक मेरे पास तीसरा अंडा है तुम जीत नहीं सकते। मुझे तो पैसों की भी नहीं पड़ी है। ये जो तुमने मुंह बनाया है ये मुंह मुझे पसंद है, बस ऐसे ही रखना। हिलना मत, परफेक्ट पत्ती गुल बेइज्जती फुल चेहरा। और इसकी कीमत अंडे से ज्यादा है। और हाँ एक और बात, एक बोनस भी है जो मेरा दोस्त देगा, वो भी फ्री में तुम्हें मिलने वाला है, जिंदगी भर के लिए जेल का खाना। तो मैं जीत गया। चलो उठो। चलो उठो। कहा था ना आखिर में क्या होगा। शातिर चोर भरोसे से कैसे खेलना है मुझे आता है, समझा तू? तू मुझे जानता नहीं है पुत्र। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। माँ की आँख देखा इसे? बत्ती गुल बेइज्जती फुल कीमती चेहरा। मतलब तू अब तक इसके लिए काम कर रहा था? मेरे लिए नहीं, साथ में। हम पार्टनर्स हैं। हम दोनों ही बेशक। उसने तीसरे अंडे के बारे में बताया। I love you. Ready? Yes. Surprise.
चेस में दो बिशप होते हैं ना, और बहुत सारे प्यादे। मैंने बाली में ही इसे पहला अंडा दे दिया था और दूसरा अंडा इसने सोटो वोचे से ले लिया, और तीसरा अंडा वो हमें तभी मिलता जब तू हमें उसकी लोकेशन बताता, और तू तो हमें सीधा यहाँ ही ले आया। मुझे लगा तू मेरे नाटक को पहचान लेगा, हम पार्टनर्स नहीं है, मुझे बेगुनाही साबित करनी है, मैं हूँ जॉनी पुलिस वाला फलाना टीम का। वैसे सच कहूँ तो मैंने जेल में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग की थी। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल भी नहीं। सच में थैंक यू डार्लिंग। तुझे क्या लगता है मैं तेरे कुछ ज्यादा मार ली ना? हाँ मारी तो है, पर ठीक है, होता है, होता है। सही कहा। एक मिनट जरा फ्लैशबैक में जाते हैं। तुमने इसे करंट मारा था, वो भी इसकी खास जगह। वही तो, पता है मुझे कितना दर्द हुआ था? पर करना पड़ा। मत करो। थैंक्स। और तुम्हारे हाथ में हथकड़ी की चाबी देने के लिए वो जरूरी था। ये हथकड़ी कैसे खोल दी? चलो जो भी हो अब दे दो। अंडा बंदूक पानी में भीग गई है, इससे बच्चे की जान लोगे क्या? देता हूँ ना तीसरा अंडा। थैंक यू। चल आगे बढ़। तो वो सब झूठ था, तेरे बाप की दर्द भरी कहानी भी? नहीं, मेरा बाप ठग था लेकिन माहिर नहीं था। मैंने तय किया मैं उससे बेहतर बन के दिखाऊंगा, उसी को मान लूंगा। भूत दिल पे मत ले यार, तू अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाकियों से बेहतर। मेरे दिल में सच में तेरे लिए इज्जत है, ठगी मत छोड़ना तू। हम रुकते और बातें करते पर एक बहुत जरूरी शादी अटेंड करनी है, और अब तो देने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गिफ्ट भी है। हम पर गुस्सा मत करना यार, हमारा यही काम है। हाँ ठीक है, दोस्त को बंदी मिल गई, और क्या चाहिए। कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा वैसे तुम्हारे पास सनस्क्रीन हो तो दे जाओ, मेरी त्वचा सेंसिटिव है, जल जाएगी। फैसला किया मैंने खर्चे की फिक्र ना करते हुए वो महंगा गिफ्ट खरीदा जो किसी के पास नहीं। वो गिफ्ट जो एक रानी के लिए बना, मेरी क्लियोपेट्रा के लिए। तो तैयार हो जाइए, 2000 सालों में पहली बार वो तीनों बेशकीमती अंडे एक साथ नजर आएंगे। तो थोड़ा अच्छा रखते हैं, इतनी महंगी यॉट है पर खाने के लिए बस सड़ा हुआ चीज रखा है। वो चीज नहीं है इडियट, वो अनकुक्ड मीट है। टेस्ट नहीं आ रहा, कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा।
तुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे हमने तो सोचा था तुम हमें जल्दी ढूंढ लोगे। तो एक्चुअली मैं तो कल से ही इस बोट पर हूँ। कल रात तुम्हारी खपाखप से मैं एक पल भी सो नहीं पाया। अच्छा मेरी कहानी सुनो। जब मुझे वहाँ दास पकड़ने आई, क्या हुआ फिर अकेले पड़ गए? वो मुझे ऐसी घटिया जगह भेजना चाहती थी जो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से भी खतरनाक है। पर फिर मुझे याद आया मैं तो टैलेंटेड हूँ, कहीं से भी भाग सकता हूँ, और मैंने वही किया। तुम पूछोगे क्या जो हुआ उसके लिए मैं नाराज हूँ? बिल्कुल भी नहीं। प्यार और अंडों में सब जायज है। मैं तो बधाई देने आया था। ग्रेट, शुक्रिया आपका। चाहिए क्या तुझे? मैं लोगों की गलतियाँ माफ करता हूँ हमेशा से, पर उनकी गलतियों को कभी भूलता नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग अभी बाकी है। तो तुमने अंडे बेचकर 30 करोड़ अंदर किए और फिर बिलियनेयर को डबल क्रॉस किया। तुम जैसा डबल क्रॉस कोई नहीं कर सकता। तो मैंने हमारी दोस्त इंस्पेक्टर दास को फोन किया और उसे तुम्हारे सिक्योर केमन आइलैंड के अकाउंट की थोड़ी सी जानकारी दे दी। पता है वो अकाउंट उतना सिक्योर नहीं है जितना तुम्हें लगता है। सारा निकाल लो। देखा, अब हिसाब बराबर। सब हार गए, सब कंगाल है, अब हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। बकवास बंद कर और काम की बात कर। एक नया काम आया है, पैसा डबल, चैलेंज ट्रिपल, और बेस्ट पार्ट पता है, काम तीन चोरों को करना होगा। और अब कहोगे अगर हमने हाँ नहीं कही तो इंस्पेक्टर दास यहाँ आ रही है हमें अरेस्ट करने के लिए। हाँ, सिग्नल तक पहुँच गई होगी। पता मुझे हंसी क्यों आ रही है भूत? क्योंकि रॉक फिल्मों में एक्टिंग करता है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तू ये सोच रहा है कि हम तेरे साथ काम करेंगे। तू कूदेगा या मैं फेंकूं? ठीक, मैं तुम दोनों के लिए जेल में टिफिन लेकर आऊंगा। एक मिनट रुको। देखो हम अपनी सारी कमाई खो चुके हैं। मैं जानती हूँ ये बकबक करता है लेकिन बंदा काम का है, और वो तुम्हें पसंद भी करता है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो प्यार भी हो गया था। मुझ पर भरोसा है? बहुत ज्यादा। प्यार करते हो मुझसे? उससे भी ज्यादा। बस यही तो चाहिए, तो चले काम पर। तो अब क्या चुराना है? ये
मुझे ज्यादा मिस मत करने लगा।